बच्चों, पिछले वीडियो में आपको सरवण कुमार खंडकाव्य का सारांश बताया गया था, ठीक है। सरवण कुमार खंडकाव्य को डॉक्टर शिवबालक शुक्ल ने लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं। आज आपको बताया जाएगा कि इस खंडकाव्य से सारांश के अलावा और भी किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो छात्रों, सरवण कुमार खंडकाव्य से संबंधित कुछ इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे है सरवण कुमार खंडकाव्य के छठे सर्ग, संदेश सर्ग, आखिर सर्ग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं सर्ग से संबंधित कुछ इस टाइप से प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पर है सरवण कुमार खंडकाव्य के पंचम सर्ग में चित्रित दशरथ के अंतर्द्वंद का सोदाहरण वर्णन कीजिए। तो सर्ग से संबंधित कुछ इस टाइप से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरवण कुमार के सातवें यानी कि अभिशाप सर्ग का सारांश लिखिए। तो ऐसे सर्ग से संबंधित प्रश्न आता है। तो आप जानते रहिए कि सरवण कुमार खंडकाव्य में कुल 9 सर्ग होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल में आप देखिए प्रश्न किस टाइप से पूछते हैं। यहाँ पे है आगे, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सरवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर्ग, आखिर सर्ग, संदेश सर्ग का प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ फिर देख सकते हैं सप्तंग सर्ग में करुणरस की भावनात्मक अभिव्यक्ति हुई है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा है सर्ग से संबंधित। आगे देख सकते हैं आप सर्ग से संबंधित कुछ ऐसे भी प्रश्न है कि सरवण कुमार के सर्गों का नाम उल्लेख करते हुए निर्वाण सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। तो तभी सभी सर्गों का नाम भी बताना, उसके बाद फिर निर्वाण सर्ग का सारांश लिखना है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं चौथे सर्ग जो सरवण कुमार है, ठीक है, उसके बारे में भी, उसके कथा वस्तु को लिखना है केवल चौथे सर्ग के। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आगे अभिशाप शीर्षक सर्ग सरवण कुमार खंडकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं सर्ग से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में सर्ग के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको अच्छा, हाँ, एक टाइप सर प्रश्न आ सकते हैं कि सरवण कुमार खंडकाव्य में जो नायक है उसके चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको सारांश पता है तो आप सरवण कुमार के चरित्र के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है, तो आप लिख लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको जितने भी सर्ग हैं उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करूँगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा और होमवर्क में वही रहेगा कि नोट हमें भेज दीजिएगा चेक करने के लिए। तो चलिए मैं आपको सर्ग के बारे में बताता हूँ। प्रथम सर्ग है अयोध्या वर्णन, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ वहाँ के प्रतापी शासक थे, ठीक है, और बता सकते हैं कि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति समृद्धि थी, ठीक है, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुष्ट नहीं था, पापी नहीं था, नीच नहीं था, ठीक है, ये सब आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। और अब बताना चाहें तो अयोध्या नगर में चारों तरफ धर्म साधना का साम्राज्य स्थापित था, वहाँ के जो श्रमिक थे उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उचित वेतन मिलता था, समाज के सभी वर्ग वहाँ पर संतुष्ट थे अयोध्या में, ठीक है, और जो महाराजा दशरथ वहाँ के शासक थे वे वहाँ के महान धनुर्धर थे, उन्हें शब्द भेदी बाढ़ चलाने आता था, यानी कह सकते हैं कि शब्द भेदी बाढ़ में वे सिद्ध हस्त थे, ठीक है। और इसके बारे में कुछ आप लिखना चाहें तो बता सकते हैं कि इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा नदी को भूतल पर लाने वाले राजा भागीरथ ने भी शासन किया था, ठीक है। आगे द्वितीय सर्ग आश्रम, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था, उस आश्रम में सरवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था, ठीक है, ये सब आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अगर और भी कुछ लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि आश्रम में सरवण कुमार
और उनके अंधे माता पिता, ये तीनों लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, उनके पिताजी मुनि थे। ठीक है, और उनकी तपस्या के प्रभाव से ही उनके जो समीपवर्ती क्षेत्र थे वहाँ के हिंसक पशु भी अपनी हिंसा करना भूल गए थे। ठीक है, श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे वे मातृ पितृभक्त पुत्र पाकर धन्य हो गए थे, अपने आप को धन्य मानते थे। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। तृतीय सर्ग आखेट है, इसके अंतर्गत अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक दिन संध्या के समय महाराज दशरथ जब भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे तो अचानक उनके मन में शिकार की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने साथी को बुला लिया और रात्रि के समय, ठीक है, वन की ओर शिकार के लिए चल दिए। ठीक है, उस रात्रि में सोते समय राजा ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक हिरण का बच्चा उनके बाट से मर गया है और हिरणी खड़ी हुई आंसू बह रही है। ठीक है, तो राजा दशरथ शिकार के लिए बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर चल दिए थे। वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें जाना था, जहां पर वे स्वप्न में देखे थे। ठीक है, रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान पर छिपकर बैठ गए। धनुष बाण को उसने साध लिया कि जैसे ही हिरण आएगा उस पर बाण चला देंगे। ठीक है, इसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है और श्रवण कुमार जल लाने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल भरने के लिए उसने अपने हाथ में लिए कलश को, यानी घड़े को, नदी के जल में डुबोता है। ठीक है, घड़े के पानी में डूबे जाने के शब्द को, यानी कि डूबने पर जो आवाज़ आ रहा था उससे राजा दशरथ ने समझा कि किसी वन्य पशु की आवाज़ जो पानी पी रहा है, तो उन्होंने तुरंत सप्तवेदी बाण चला दिया और वह बाण श्रवण कुमार को अच्छा लगा। श्रवण कुमार चित्कार चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़ा और राजा दशरथ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा अरे ये तो किसी मानव का स्वर है। ठीक है, तो वो चिंतित हो गए और प्रभु कल्याण करे ऐसा कहते हुए नदी के किनारे की ओर चल दिया। चौथा सर्ग है श्रवण कुमार, इसके अंतर्गत अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि राजा दशरथ जैसे ही नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां पे श्रवण कुमार को बाढ़ से घायल अवस्था में देखते हैं। वह अपनी पीड़ा से अधिक अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और बिलख बिलख कर कह रहा था कि आप अब मेरे अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि हे राजन, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा अपितु मेरे माता पिता की भी हत्या कर दी है। ठीक है ना, तो श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे वे श्रवण कुमार के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने राजा से कहा। श्रवण कुमार के आग्रह पर राजा ने श्रवण कुमार के माता पिता को जल पिलाने के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, और इधर श्रवण कुमार का प्राण उसके शरीर से निकल जाता है अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, उन्होंने अपने सारथी को तो श्रवण कुमार के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास चले गए। ठीक है, यहाँ पर आपका चौथा सर्ग खत्म हो जाता है। पंचम सर्ग जो है उसका नाम है दशरथ। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव से सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करेंगे या करें।
इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। मतलब वे कभी सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा, इसके पश्चात आपके लिए कभी वो करूँगा, ऐसे कुछ, ठीक है, इसी को द्वंद्व कहा गया है। तो पश्चाताप, आशंका, भय व करुणा आज से भरे हुए वे आश्रम में पहुँचते हैं। ठीक है, इन सबसे संबंधित बातों का वर्णन आप इस सर्ग में कर सकते हैं। छठा सर्ग जो है उसका नाम है संदेश। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन बार बार आशंका से भर जाता था कि इतनी देर होने पर भी श्रवण अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के माता पिता कह उठे, कहाँ पुत्र थे, मेरी लकुटी वाहन, मेरी आँख। ठीक है, तो वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण कुमार समझ रहे थे। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए, तो अनजानी आवाज़ सुनकर उनका यह भ्रम दूर हुआ कि श्रवण कुमार आ गया है। उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय अजनंदन बता कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने और श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल लेकर आने का सारा वृत्तांत, सारी बातें वहाँ पे दुखी हृदय से बताते हैं। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल उठते हैं और श्रवण कुमार के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए वे करुण विलाप करने लगते हैं। यहाँ पर आपका छठा सर्ग समाप्त हो जाता है। सातवां सर्ग है अभिशाप। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल थे। वे करुण विलाप करते हुए आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ सरयू तट पर पहुँचे और प्रिय पुत्र के मृत शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वे तरह तरह के से विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने कहा कि हे राजन, यदि तुम जानबूझकर यह कृत करते तो पूरा रकुले दंड भोगता, परंतु यह सब कुछ तुमसे अनजाने में ही हुआ है, अतः केवल तुम अकेले ही इसका दंड भोगोगे। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि हे दशरथ, जिस प्रकार मैं पुत्र शोक में तड़पता हुआ प्राण त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प 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 के अपने प्राण त्यागोगे। ठीक है, तो दशरथ इस श्राप को सुनकर बिल्कुल काँप उठते हैं और यहीं पर आपका सातवां सर्ग खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आठवां सर्ग है निर्वाण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए श्राप का भविष्य में निश्चित रूप से सत्य घटित होना जानकर दशरथ व्याकुल हो उठे। श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर व विचलित थे। जब वे काफ़ी रुदन करने के पश्चात कुछ शांत हुए और श्रवण कुमार के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया, तो उन्हें श्राप देने का दुख हुआ। उन्होंने आवेश में दिया गया अपना श्राप लौटाना चाहा, परंतु यह संभव नहीं था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने संतापग्रस्त माता पिता को सांत्वना दिया। ठीक है, बोला कि मैं प्रतिकृत हो गया आपकी सेवा परिचर्या करता, मुझे श्रेष्ठ पद मिला, आज है पास इस तुम्हारा मात। उसने सांसारिक आवागमन से मुक्त होने तथा अपने स्वर्ग पहुंचने का समाचार उन्हें दिया। इस समाचार को सुनकर श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। नवम सर्ग है उपसंहार और यह है अंतिम सर्ग। ठीक है, राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौटाएं। ठीक है, ये सब बातें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि लोक निंदा के कारण उन्होंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया। अपने यौवन काल में वे इसे भूल गए, परंतु जब श्री राम वन को जाने लगे तो उन्हें वह श्राप याद आया और तब उन्होंने इस घटना तथा श्राप की बात अपनी रानियों को बताई।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये श्रवण कुमार खंड काव्य जो है इसके सभी सर्गों का वर्णन मैंने कर दिया है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा भी, और एग्ज़ाम में अगर कुछ सर्ग की बात करेगा तो जिस भी सर्ग की बात करेगा उसके अंतर्गत क्या लिखना है ये आपको याद होना चाहिए। इस खंडकाव्य की कुछ मुख्य बातें, तो इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि इस खंडकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है, ये क्रमवार याद होना चाहिए, मतलब कि प्रथम सर्ग किससे संबंधित है, अयोध्या से संबंधित है, द्वितीय सर्ग किससे संबंधित है, आश्रम से, तृतीय सर्ग किससे संबंधित है, आखिर से, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए।